याद होगा कि जो पावना डैम है उसको लेकर विवाद चल रहा था, आक्रोश चल रहा था, वो जो जलवाहिनी बंद हो गई, आपने वादा किया था कि इसको इसका समाधान करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ TV1 को। जी सर, देखिए गए 5 साल में पावना डैम का मैंने जितना ही वहाँ से पानी की कैपेसिटी बढ़ाई जाए उसलिए बहुत सारे प्रयास किए। आपसे मांग की गई थी कि लोनावला मुंबई के बीच में ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाई जाए, पुणे से लोनावला तक लोकल ट्रेन चलाने के बारे में रेल विभाग द्वारा कार्रवाई पूर्ण किए। स्टेट गवर्नमेंट का जो हिस्सा है वो देना बाकी था, स्टेट गवर्नमेंट ने मान्यता देनी बाकी थी। मैं बीच में माननीय CM साहब के साथ बैठक कर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ये भी मंजूरी थोड़े दिन में मिल जाएगी। पानी की समस्या जरूर है, ये भी मैं मानता हूँ। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पनवेल में भूमि पूजन किया है। करीबन पनवेल सिटी को 200 ml पानी और सिड़कों के या JNPT को पानी, शुद्ध पानी देने के बारे में इस पूरे इलाके में जितने गांव है, गांव या शहर में बसे लोगों को शुद्ध पानी देने के लिए एक योजना राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है और ये योजना निश्चित रूप से 1.5 साल में पूरी हो जाएगी। मुझे 27 बरस राजनीति में हुए, 20-22 साल पार्षद रह चुका हूँ पिंपरी चिंचवड़ कारपोरेशन में, अभी 7 साल होने लगे मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। निश्चित रूप से मुझे मावल के जनता ने भरोसा रखकर दोबारा भेजा है, ये भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगा। दोस्तों नमस्कार, TV इंडिया के फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान है मावल संसदीय क्षेत्र के सांसद श्रीरंग बारने साहब। बारने साहब का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे सवाल यही पूछना चाहेंगे कि ये जो पेंडेमिक गया है, लॉकडाउन गया, उसमें बड़ी सारी चुनौतियां रही हैं, किस तरह से आप इस क्षेत्र को देख रहे हैं कि क्या क्या चुनौतियां सामने उभर कर आई हैं? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ TV1 को। जी सर, कि लॉकडाउन के दौर पर कई सारे मीडिया सामने आकर जनता के प्रश्न रखे थे। ये पूरे लॉकडाउन के समय पूरे चुनाव क्षेत्र में ज़्यादातर जितनी फैक्ट्रियाँ थी बंद हो गई थी, ज़्यादातर जितने कर्मचारी थे वो अदर स्टेट के थे, कई UP के थे, BR के थे, तो कई सारे दिक्कतें कामगारों को आई थी। या पूरे लोकसभा क्षेत्र में जैसे कि मावल हो या खालापुर हो या कर्जत हो, पनवेल का कई ग्रामीण क्षेत्र हो, या किसानों को भी दिक्कतें थी। ज़्यादातर कर दो बड़ी सिटियाँ हैं जो पिंपरी चिंचवड़ शहर और पनवेल शहर, ये दो बड़े शहर में जितने लोग थे जो निर्भर थे छोटे उद्योग के द्वारा, या उनको बड़ी दिक्कत थी। कई सारे सामाजिक संस्था, कई सारे राजनीति में काम करने वाले लोग आगे आकर उनकी खाने की व्यवस्था की थी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा भी पूरे लॉकडाउन के दौर बहुत सारा अनाज देने की केंद्र और राज्य के द्वारा सरकार द्वारा वे व्यवस्था की थी, लेकिन ये पूरे दौर से गुजरते समय लोगों को कई सारी दिक्कतें आई। आज भी कोरोना खत्म नहीं हुआ, यस सर, और दोबारा कोरोना बढ़ने की शंका भी बता रहे, राज्य सरकार द्वारा निर्बंध लागू किया है। आगे चलकर लोगों ने इस बारे में जो हालात एक साल में देखे, फिर दोबारा ये हालात न हो, इसलिए लोगों ने निर्भर होकर मास्क लगाने की ज़रूरत है, सैनिटाइजर लगाना जरूरत है, और पूरी तरह से राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जो सूचना प्राप्त होती है वो सूचना का अमल करने की आवश्यकता है। समस्याएं अगर देखें तो मावल क्षेत्र की सबसे विकट जो समस्या थी तो पानी की थी। आपको याद होगा कि जो पावना डैम है उसको लेकर विवाद चल रहा था, आक्रोश चल रहा था, वो जो जलवाहिनी बंद हो गई, आपने वादा किया था कि इसको इसका समाधान करेंगे। देखिए गए 5 साल में पावना डैम का मैंने जितना ही वहाँ से पानी की कैपेसिटी बढ़ाई जाए उसलिए बहुत सारे प्रयास किए। जो मिट्टी डैम में जाती है
करीबन 5 साल में मैंने इतनी मिट्टी निकाली, एक हजार क्यूबिक मीटर के आगे चलकर मिट्टी निकाली, कई सारे पानी की क्षमता वहाँ बढ़ाने का प्रयास किया। वो पाइपलाइन का काम तो उसमें कैसे है, गोलीबार हुआ था और किसानों के आंदोलन में उस गोलीबारी में किसानों की किसानों की डेट हुई थी, और इसमें कई सारी भावना किसानों से उससे जुड़ी है। तो मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट और स्थानीय किसान जो किसान संगठन उसमें काम करती है, उन लोगों से मिलकर बातचीत कर वो प्रश्न हल करने की आवश्यकता है। ऐसे मुझे नहीं लगता है कि किसी बल के द्वारे या पुलिस के द्वारे ये प्रश्न हल होगा, बातचीत करके प्रश्न हल करने की आवश्यकता है। अभी तो जितना डैम में पानी है, करीबन 8 MLD पानी जमा होता है, उसमें से 650 MLD पानी पिंपरीचोर सिटी को, बाकी पानी अदर वहाँ की सिटी है, विलेज है, उसको चला जाता है। लेकिन बहुत सारा प्रयास मैं खुद किया है, स्थानीय वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी प्रयास किया है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा अभी फिलहाल उस प्रश्न के ऊपर निश्चित रूप से बैठक होके स्थानीय किसानों को दिलासा देके उसको विश्वास में लेके ये प्रश्न हल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए सकता है। सर, आपसे मांग की गई थी कि लोनावला मुंबई के बीच में ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाई जाए, अभी क्या स्थिति है, क्या इस क्षेत्र में ट्रेनों के दूसरी लाइन बिछाने के लिए या नई ट्रेनें उसमें जोड़ने के लिए, अधिक ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई पहल आपके तरफ से की जा रही है? देखिए, पुणे से लोनावला तक लोकल ट्रेन चलाने के बारे में रेल विभाग द्वारा कार्रवाई पूर्ण की है। स्टेट गवर्नमेंट का जो हिस्सा है वो देना बाकी था, स्टेट गवर्नमेंट ने मान्यता देनी बाकी थी। मैं बीच में माननीय CM साहब के साथ बैठक कर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ये भी मंजूरी थोड़े दिन में मिल जाएगी। कई सारे प्रवासी संगठन या लोगों की मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चलाने की मांग कर रहे हैं, ज़्यादा स्टॉप भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे इसमें केंद्र सरकार द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। मैं खुद रेल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी को गए सेशन के दौरान मिला है, मैंने उनको चिट्ठी भी भेजी, लेकिन उसमें अभी तक कार्रवाई नहीं की। मुझे लगता है आगे चलकर उस बारे में कार्रवाई हो सकती है, जैसे कि कर्जत से पनवेल तक की लोकल ट्रेन चलाने के बारे में गए 4 साल से मैं मांग कर रहा हूँ। थोड़ी जगह लैंड एक्विजिशन की बाकी है, अगर वो लैंड एक्विजिशन पूर्ण हो जाता है तो 1.5-2 साल में ये ट्रेन कर्जत और पनवेल के बीच चला सकते हैं। सर, आपको लगता है कि चूंकि अब शिवसेना ऑलरेडी NDA में नहीं शामिल है, इसके वजह से कहीं जो मोदी सरकार है, खासकर जो भाजपा के नेतृत्व में चल रही सरकार, इस पर पर्टिकुलर क्षेत्र की उपेक्षा कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं होता। विकास के लिए कोई चुनाव क्षेत्र में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ऐसे कोई ये नहीं करती कि किस अदर पार्टी का कोई मेंबर हो तो उसके चुनाव क्षेत्र में विकास नहीं करना, ऐसा नहीं होता। मेरे सबसे पक्षपात तो नहीं, पक्षपात नहीं होता, मेरे तो सबसे अच्छे ताल्लुकात है और मैं खुद उनसे बात करता हूँ, मुझे सब सहयोग करते, लेकिन प्रोसीजर में लेट होता है, प्रोसीजर सही ढंग से नहीं होती या उसमें समय लगता है, इसलिए वो देरी होती है। आपको लगता है जो आपने कहा कि कुछ भूमि अधिग्रहण बाकी है कर्जत और पनवेल के बीच का जो हिस्सा है लोकल ट्रेन के लिए, राज्य सरकार की भूमिका को भी इसमें किस तरह से देख रहे हैं, चूंकि आपकी अभी सत्ता है, सरकार है, तो किस तरह से भूमिका सरकार निभा रही है? मैं पहले बोला आपको कि इस बारे में राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी के साथ मेरी बैठक हुई है, और जो जो रेल के संबंध में जो प्रश्न है लिखित रूप से उनको दिए हैं, और निश्चित रूप से उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस बारे में मैं पूरी तरह से राज्य सरकार, जितने सेंट्रल रेलवे के जगह के प्रश्न है, जमीन अधिग्रहण का हो या अन्य प्रश्न हो, उस बारे में मैं पूरी तरह से सहयोग राज्य सरकार द्वारा करूंगा। सर, अगर आपके लोकसभा क्षेत्र में देखें तो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें से
पनवेल और पिंपरी चिंचोड़ को छोड़ दें तो बाकी इलाके, अधिकांश इलाके ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ते हैं और वहाँ के विकास को लेकर बड़े पैमाने पर जरूरत है। इवन शुद्ध पेयजल की जरूरत है, वहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी अभी तक नहीं हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तमाम योजनाएं चल रही हैं जो आपकी नज़र में हैं, किस तरह से इन गांवों को इलेक्ट्रिफिकेशन और दूसरी शुद्ध पेयजल आपूर्ति योजना से जोड़ा जा रहा है? देखिए, लाइट के बारे में अगर बोला जाए तो केंद्र सरकार के दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत गए 5 साल में करीबन ये पूरे क्षेत्र में 69 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा फंड मिले थे और वो काम हुआ है। पानी की समस्या जरूर है, ये भी मैं मानता हूँ। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पनवेल में भूमि पूजन किया है। करीबन पनवेल सिटी को 200 MLD पानी और सिडको के या JNPT को पानी, शुद्ध पानी देने के बारे में इस पूरे इलाके में जितने गांव है, गांव या शहर में बसे लोगों को शुद्ध पानी देने के लिए एक योजना राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है और ये योजना निश्चित रूप से 1.5 साल में पूरी हो जाएगी। ये योजना अगर पूरी होती तो जितनी पानी की समस्या है, ये पानी की समस्या दूर हो सकती है। सर, आपका कोई लक्ष्य अभी है? चूंकि अब नजदीक आ रहा है, ये भी समय जो 5 साल का पूरा होने वाला है, 3 साल लगभग हो चुके हैं, क्या लक्ष्य है आने वाले समय के लिए? क्योंकि ये पूरा साल तो निकल गया है 2020 का लॉकडाउन और कोरोना के कारण, 2021-22 का क्या लक्ष्य रखा आपने विकास को लेकर? देखिए, ये अभी 2 साल पूरे नहीं हुए और 3 साल तो बाकी है। हाँ, 1 साल तो कोविड में गया, ये तो बाकी है। लक्ष्य तो शुरू में रखा है पूरे चुनाव क्षेत्र के विकास के बारे में। मैं पहले बोला आपको कि दो बड़े शहर है जैसे कि पिंपरी चिंचोड़ और पनवेल शहर, और शहरों की समस्या अलग रहती है, ग्रामीण इलाके की समस्या अलग रहती है। JNPT पोर्ट है, वहाँ के किसानों की समस्या अलग है। नैना प्रकल्प चल रहा है, नैना प्रकल्प के बारे में यहाँ के किसानों की समस्या अलग है। तो ये पूरा उद्दिष्ट यहाँ के विकास के बारे में रखा है। जैसा कि मावल में एक रिंग रोड का प्रोजेक्ट हमने किया है, उसका काम अभी चालू होगा, उसकी लैंड एक्विजिशन चालू है। अगर वो रिंग रोड बनता है तो पूरी ट्रैफिक की समस्या दूर हो जाएगी। राज्य सरकार द्वारा ये जो लोनावाड़ा में खंडाला जो घाट सेक्शन है, वो घाट सेक्शन दूर करने के लिए मैंने 3 साल नगर विकास मंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे से फॉलोअप करके वो भी काम अभी पूरा होने लगा है। 1 साल में वो पूरा हो जाएगा। 25 या 30 मिनट लोगों के कम हो जाएंगे, घाट सेक्शन पूरा कम हो जाएगा, लोगों को आने जाने में सुविधा पूरी तरह से प्राप्त होगी। बीच में मैंने टोल के बारे में एक मीटिंग ली थी। जैसे कि टोल में ज्यादा भीड़ होती है, गाड़ी की संख्या ज्यादा होने के कारण लोगों को कई टाइम रुकना पड़ता है, तो मैंने वह मीटिंग ली थी। अभी टोल सेक्शन में आने का एक विभाग और जाने का एक विभाग, जगह दोनों तरफ अलग अलग करने की मैं मांग की है, उस बारे में सरकार सोच रही, निश्चित रूप से लोगों को वो भी राहत मिलेगी। ये पूरे क्षेत्र में जैसे कि पुणे से मुंबई तक जाने वाली वो लेन बढ़ाने का काम राज्य सरकार द्वारा हम कर रहे हैं, ट्रेनों के बारे में सुविधा देने के लिए, और यहाँ मेट्रो के काम सड़कों के द्वारा, मेट्रो रेल के द्वारा पनवेल में मेट्रो का काम कई दिन से रुका है, उसको भी चालना देने के लिए या फॉलोअप करने के लिए मैं साथ शुरू से प्रयास कर रहा हूँ। अभी फिलहाल बीच में मैंने इसमें एक बैठक भी ली, उसमें अभी मुझे कहा गया है कि आने वाले 2-2.5 साल में ये पूरा काम पूरा हो जाएगा। वैसा ही पिंपरी चिंचोड़ में है, एक स्टॉप था पिंपरी स्टेशन में, उस स्टॉप को बढ़ाने की मांग स्थानीय लोग कर रहे थे, तो वो बढ़ा के भक्ति शक्ति निगड़ी तक उसको मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा दिलाई मैंने खुद। राज्य सरकार का जो हिस्सा था, करीबन राज्य सरकार उसमें अपना हिस्सा देने वाली थी, तो राज्य सरकार भी अभी हिस्सा देने को तैयार हो गई। तो स्थानीय नगर पालिका, राज्य सरकार, मेट्रो रेल, ये इनकी पूरी तरह से सहयोग से ये काम मैंने शुरू में किया है, चालू किया है। रोड हो, माननीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी ने सहयोग करके मावल में 600 करोड़ रुपए
रोड के लिए दिया और पीएम जसवाई में कई सारे रोड को केंद्र सरकार द्वारा मदद मिली। सिटी एरिया में पंतप्रधान आवास योजना को ज्यादा से ज्यादा फंड केंद्र सरकार द्वारा मिले, जैसे कि पिंपरी चिंचवड शहर हो, पनवेल सिटी में और ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण पंतप्रधान आवास योजना में उसको भी मैं फॉलोअप करके या प्रयत्न करके उसको भी मंजूरी देने का काम कर रहा हूँ। करीबन मेरे चुनाव क्षेत्र में ये 5 साल में 5,000 से ज्यादा मकान बनेंगे और वो गरीब लोगों को मिल सकते हैं। सर आखिरी 2 सवाल, आपने खुद जिक्र कर लिया रिंग रोड का मेरा सवाल था लेकिन आपने खुद इसका जवाब दे दिया, जेएनपीटी और जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एरिया है, आइए जो अभी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया उन्होंने किया है, एसईजेड के लिए तमाम बड़े पैमाने पर जमीनें दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी योजना है कि एक लक्ष्य था, वादा किया गया था 5 लाख रोजगार मिलेंगे, एयरपोर्ट आप देख लीजिए उसमें देरी हो रही है, मेट्रो प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, एसईजेड में देरी हो रही है, आपको नहीं लगता कि जो लक्ष्य था गवर्नमेंट का कि अगर जल्दी से ये प्रोजेक्ट विकसित होते हैं तो यहाँ स्थानीय लोगों को 5 लाख लोगों को रोजगार जो देने का वादा किया था, नौकरी देने का, वो सफल हो सकता था? केंद्र सरकार द्वारा जो वादा किया था आम गरीब लोगों को नौकरी देने का, बेरोजगार लोगों को नौकरी देने का, तो ये सफल नहीं हुआ, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जितने ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री अपने एरिया में लाने के बारे में प्रयास निश्चित रूप से हो रहा है, सुभाष जी देसाई जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है तो वो तलेगांव में, मावल में और खालापुर में बड़ी इंडस्ट्री ला रहे हैं, जैसे कि बीच में घोषणा की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये मावल चुनाव क्षेत्र में आ रहे हैं। अच्छा। इसलिए स्थानीय लोगों को, युवाओं को नौकरी निश्चित रूप से राज्य सरकार द्वारा मिलेगी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा ये इंडस्ट्रीज को जितना सहयोग चाहिए उतना नहीं मिलता, ये बात ठीक है। आखिरी सवाल सर, तमाम प्रकल्पग्रस्तों का अभी भी न्याय नहीं मिल सका है और आंदोलन आज भी चल रहे हैं, चाहे जेएनपीटी का देख लीजिए, एयरपोर्ट का देख लीजिए या दूसरे इलाकों का, आपकी पहल कैसे होगी क्योंकि केंद्र सरकार से जुड़े हुए सारे प्रोजेक्ट हैं? सर देखिए, जब किसानों को न्याय नहीं मिलता तो आंदोलन करते, जैसे कि जेएनपीटी में जब आंदोलन हुआ मैं उस आंदोलन का नेतृत्व किया था। यस, अभी भी किसान आए थे कि रेल विभाग कर्जत में जहाँ रेल के नया ट्रैक बढ़ाने की बात चल रही, किसानों की जगह जा रही, उनको रेडी रेकनर के हिसाब से ज्यादा भाव मिले, इसलिए वो मांग कर रहे। जब जब किसान अपने हक के लिए आंदोलन करते तो उनकी बात समझकर राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो विभाग रहेगा उसे ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करके उसको फॉलोअप मैं कर रहा हूँ। निश्चित रूप से ये पूरा क्षेत्र मावल लोकसभा क्षेत्र यहाँ कई सारी समस्या ज्यादा करके है, कई दिनों से कई सालों से किसानों की समस्या है, बहुत समस्या पर हल करने का प्रयास मैंने गए 6 वर्ष में किया है। जैसे कि आपने कहा कि नया एयरपोर्ट बन रहा है, आंदोलन किया था किसानों ने, स्थानीय लोगों ने, उसके बारे में कई सारे हमने बैठकें ली, उसमें बहुत सारे प्रश्न का जवाब भी केंद्र और राज्य सरकार ने दिया है, प्रश्न में कई सारे हल हुए। अभी तक जो प्रश्न बाकी है या जो प्रश्न का उत्तर मिला नहीं उस बारे में मैं खुद प्रयत्न कर रहा हूँ, निश्चित रूप से आगे चलकर जो 100% या प्रश्न पूरे हो गए या न्याय मिलेगा ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन मेरे प्रयास रहेगा कि जो किसान है उनका जो प्रश्न है, जो समस्या है, वो समस्या दूर करने के बारे में मैं प्रयास करूंगा। नई मुंबई में सर चुनाव हो रहे हैं और अभी महाविकास आघाड़ी शिवसेना अलग नेतृत्व कर रही है, भाजपा अलग हो गई है, आप साथ में रहे हैं सरकार के, कितना सही मानते हैं और क्या लगता है महाविकास आघाड़ी जीतेगी, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? देखिए, ये सरकार उद्धव जी साहब के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार अच्छी चल रही है और जो भी आने वाले चुनाव रहेंगे, महानगर पालिका हो, नगर पालिका हो, स्थानीय नगर निगम के हो, तो उस बारे में जो भी हमारे नेता आदेश देंगे उस बारे में निश्चित रूप से एक होके हम चुनाव साथ में लड़ सकते हैं, लेकिन एक साल है अभी कुछ बोल नहीं सकते। ये चुनाव निश्चित रूप से एक अलग महाराष्ट्र के लिए अलग चुनाव रहेंगे।
सर कोई संदेश देना चाहें तो क्या देंगे आप, जो लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं, जो मावल क्षेत्र की जनता है, उन्हें आप कैसे भरोसा दिलाएंगे? मैं आपके द्वारा मेरे पूरे मावल लोकसभा क्षेत्र के पूरे लोगों को ये भरोसा देना चाहता हूँ कि दोबारा मुझे विश्वास रख कर लोकसभा में भेजा है। मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न का हल करने के लिए या समस्या दूर करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। निश्चित रूप से जितना समय मेरे जिंदगी में, उसमें से कई सारा समय मैं लोगों के प्रति बिता रहा हूँ। मैं जो 27 बरस राजनीति में हुए, 20-22 साल पार्षद रह चुका हूँ पिंपरी चिंचवड कारपोरेशन में, अभी 7 साल होने लगे मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। निश्चित रूप से मुझे मावल के जनता ने भरोसा रखकर दोबारा भेजा है, ये भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगा। जो जो प्रश्न है वो प्रश्न छोड़ाने का, प्रश्न को समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा। सर बहुत बहुत थैंक यू, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया, आप काफी व्यस्त हैं मैं देख रहा हूं, इसके बावजूद भी आपने टीवी और इंडिया से बातचीत की। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से सांसद श्री रंग बारने साहब ने विजन रखा है कि मावल लोकसभा क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, प्रकरणग्रस्तों की समस्याएं या विकास से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उसका निश्चित तौर पर आपके पहल के जरिए उसका समाधान होगा। हम उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले समय में इनके प्रयासों का फायदा जो है यहाँ के मावल की लोकसभा क्षेत्र की जनता को जरूर मिलेगा। आज की बातचीत में बस इतना ही, अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा आपसे रूबरू होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा टीवी और इंडिया। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।